नमस्कार, निटिंग एंड क्रोशे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये सिंगल कलर का स्वेटर का डिजाइन बताने जा रही हूँ। ये डिजाइन बहुत ही अच्छा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, हाफ स्वेटर में डाल सकते हैं। ये डिजाइन चार फंदे का डिजाइन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सिलाई पूरा उल्टा बुन लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनना है। इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। दूसरी सिलाई है, पूरी सीधी बुनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तीसरी और चौथी सिलाई भी, तीसरी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे और चौथी सिलाई फिर पूरी सीधी बुन लेंगे। देखिए, चार सिलाई तक इस तरह से बुनने के बाद इस सिलाई में ये पहला फंदा उतार लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे। और ये देखिए, ये एक, दो, तीन और ये चौथा रो है। यहाँ सिलाई डालेंगे, एक फंदा इस तरह से निकालेंगे, उसके बाद इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर उसी जगह पे यहाँ सिलाई डालेंगे और फिर से एक फंदा निकाल लेंगे। इस तरह देखिए, ये दो फंदा बढ़ जाएगा। उसके बाद तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे। यहाँ फिर उसी तरह देखिए, एक, दो, तीन और ये चौथा रो है। चौथी सिलाई में इस तरह से सिलाई डालेंगे, फंदे में एक फंदा निकाल लेंगे, इसे सीधा बुनेंगे। फिर उसी फंदे में सिलाई डाल करके एक और फंदा निकाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक, दो, तीन, ये तीन फंदा फिर उल्टा हो जाएगा। धागा पीछे कर लेंगे, एक, दो, तीन और ये चार। चौथे रो में उस फंदे के बीच सिलाई डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर उसी जगह सिलाई डालेंगे और एक और फंदा निकाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर तीन उल्टा फंदा, धागा पीछे। यहाँ फिर उसी तरह से फंदा निकालेंगे, तीन, ये चौथा फंदा। फिर इसे सीधा बुनेंगे, फिर वहीं पे सिलाई डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक, दो और ये तीन फंदा। यहाँ देखिए, एक, दो, तीन और फिर यहाँ चौथा सिलाई में इस तरह से सिलाई डालेंगे और फंदा निकाल लेंगे, एक सीधा फंदा। फिर वहीं पे सिलाई डालेंगे और फंदा को इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये दो फंदा बचता है, इसे उल्टा बुन लेंगे। छठी सिलाई है, ये दो फंदा सीधा हो जाएगा। उसके बाद ये उतारा हुआ फंदा इसे उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे और ये जो उतारा हुआ फंदा है, इस तरह से ये तीन फंदा उल्टा हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे और ये तीन फंदा सीधा बुनेंगे। ये तीन फंदा सीधा हो गया, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, उतारा हुआ फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर इस फंदे को भी, बीच वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे।
फिर ये तीसरा फंदा, इसे भी उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक दो और तीन सीधा, फिर तीन उल्टा, इस तरह से ये पूरी सिलाई बना लेंगे। सातवीं सिलाई है, ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को मिला करके एक फंदा बुन लेंगे, ये सीधा हो गया। धागा आगे कर लेंगे, ये एक फंदा उल्टा हो जाएगा, ये बीच का जो फंदा है अब उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे और इसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद इसे ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, इन दोनों को मिला करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, ये बीच का फंदा उल्टा हो जाएगा। फिर धागा पीछे करेंगे, फंदा उतारेंगे, सीधा बुनेंगे और इसे गिरा देंगे। एक उल्टा फंदा, फिर उसी तरह से इन दोनों को मिला करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, इसे उतारेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर उतारे हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह देखिए, ये दोनों फंदा जो बढ़ गया था यहाँ कम हो जाएगा, एक उल्टा फंदा। इसी तरह पूरी सिलाई बुन लेंगे। आठवीं सिलाई अब पूरी सीधी बुन लेंगे। सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। नौवीं सिलाई पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से नौवीं सिलाई पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये टेंथ रो है, इसे पूरा सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को इस तरह से सीधा बुनेंगे। ये एलेवेंथ रो है, इसमें देखिए ये जो उल्टा फंदा है, इस उल्टा फंदा में यहाँ अब चौथे रो में सिलाई डाल करके इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। और ये देखिए दो तीन, ये चार फंदा उल्टा हो गया। फिर धागा पीछे कर लेंगे और यहाँ देखिए एक दो तीन और ये चौथा, यहाँ सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर वहीं पर सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, अब ये तीन फंदा जिस पे डिजाइन बनाए थे ये उल्टा हो जाएगा। फिर धागा पीछे कर लेंगे, एक दो तीन चार, यहाँ फिर सिलाई डालेंगे, फंदा निकाल लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर सिलाई डालेंगे और एक और फंदा निकाल लेंगे। फिर से तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ देखिए यहाँ सिलाई डालेंगे, एक सीधा, धागा आगे, तीन उल्टा फंदा, इसी तरह से ये सिलाई बना लेंगे। आखिरी में ये चौथा फंदा उल्टा बुन ले। बारहवीं सिलाई है, ये फंदा सीधा हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये उतारा हुआ फंदा
इसे उल्टा बुन लेंगे। जैसे इस डिजाइन को बनाए थे उसी तरह अब ये डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे। फिर तीन सीधा, तीन उल्टा, इस तरह इस डिजाइन को बना लेंगे। यहाँ देखिए ये 13वीं सिलाई है। 13वीं सिलाई में ये देखिए दो फंदा उल्टा हो जाएगा, धागा पीछे करेंगे। अब इन दोनों फंदों को फिर उसी तरह से एक साथ सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे, ये बीच का फंदा उल्टा हो जाएगा, फिर धागा पीछे, इसे उतार लेंगे, सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दोनों को एक साथ, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, इसे उतारेंगे और सीधा बुनेंगे, इसे ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक उल्टा, इसी तरह ये पूरी सिलाई बना लेंगे। इस तरह से देखिए ये डिजाइन बन गया है। अब फिर उल्टे तरफ से पूरा सीधा बुनेंगे, फिर सामने से उल्टा, फिर सीधा। इस तरह से तीन सिलाई बुनने के बाद चौथी सिलाई में फिर इसी तरह डिजाइन बनाएंगे। अब ये डिजाइन यहाँ इसके सामने बनेगा, ये जो एक फंदा है इसके ऊपर में, ये जो एक फंदा है इसके ऊपर, ये तीन उल्टा फंदा हो जाएगा और ये इस पर डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से इस डिजाइन को रिपीट करेंगे। ये डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।